धर्म में हनुमान जयंती बहुत ही खास मानी जाती है। हनुमान जयंती चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल यानी कि आज मनाई जा रही है। अंजना और केसरी के पुत्र हनुमान जी को वानर देवता, बजरंगबली और वायुदेव के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। ऐसे में बजरंगबली के भक्त इस दिन को बेहद ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। एक बार भगवान राम की लंबी उम्र की कामना करते हुए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। कहा जाता है तब से ही भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। हनुमान को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जिनमें मारुति नंदन, बजरंग बली, पवन पुत्र, वीर हनुमान और संकट मोचन, जो कि भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। और हनुमान जयंती के विशेष अवसर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य डीपी शास्त्री। पंडित जी, आज हनुमान जयंती का विशेष मौका है, क्या कुछ आज के दिन खास रहने वाला है और कैसे ये दिन आज विशेष रूप से मनाया जाए, क्या कुछ पूजा अर्चना का आज विधि विधान रहने वाला है? ये तो बहुत सारी शुभकामना आपके दर्शकों के लिए। हनुमान जयंती का चेत सुधी पूरन मंगल को महावीर जन्म पाया है। लाल लंगोटा गदा हाथ पे सिर पे मुकुट सजाया है। शंकर का अवतार है, महावीर का वार है। जो कोई धावे सच्चे मन से उसका बेड़ा पार है। हनुमान जी के लिए लिखा गया है, आज जो है ना पूर्णिमा तिथि है और आज मंगल का ही नक्षत्र है, जिसमें दोनों योग बहुत दुर्लभ होता है जो आज मिला हुआ है। हम सबको हनुमान जी की जयंती जन्मोत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज जीवित है। संसार में अश्वस्थामा बलि व्यासो कुछ लोग जीवित हैं, जिसमें से 7 चिरंजीवी में हनुमान जी का भी नाम लिया गया है। तो जो व्यक्ति संसार में जीवित है उसका जन्मोत्सव मनाइए। और आज हनुमान जी के लिए आप लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग का कोई मोदक, मिठाई, फल, सब चीज लेकर के भगवान को भोग लगाए। हम सब लोग के लिए आज सौभाग्य का दिन है। जो व्यक्ति आज हनुमान जी के एक सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण कुछ भी पढ़े, उसके जीवन की सब बाधा दूर होगा। हनुमान जी तन मन धन सब चीज के जीवन के लिए जिसको जो संकल्प होता है, जो जरूरत होता है, उसको पूर्ति कर देते हैं और संकट के और रोग शोक के विनाशकारी है। आदमी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी कष्ट से जूझ जा है तो हनुमान जी के जो आज पूजा करेगा उसके सब कष्ट को हनुमान जी दूर करेंगे। इनके लिए अतुलित बल धामम हेम शैला वदेहम, अतुलित बलशाली है। इनका बल का इतना बड़ा योग है कि दुनिया में कोई था नहीं पाया। ज्ञान ही नाम अग्रणियम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। बहुत बड़े ज्योतिषी भी हैं, धर्मज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं, शीलवान हैं, दयावान हैं, निधिवान हैं। तो जो व्यक्ति जिस भाव से इनको जपेगा उसकी कामना को पूर्ति होगी। नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा में ही दिया है कि रोग इत्यादि शोक को भी हनुमान जी दोष को दूर कर देते हैं। जो इनको प्रेम से भक्ति करता है, पूजन करता है, पाठ करता है। और कुछ लोगों के लिए अष्टदी नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, जितनी सिद्धियां हैं, निधियां हैं, सब इनके साथ में आशीर्वाद में प्राप्त हुई थी। माँ सीता ने इनको वरदान दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो।
माँ सीता जनक नंदिनी लंका में ही हनुमान जी महाराज को अजर अमर होने के वरदान दे दी। आज भी अयोध्या में भी विराजमान है, हर कण में, हर स्थान पे, हर मंगल कार्य में भक्ति हो, पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, कथा प्रवचन हो, सबसे पहले हनुमान जी महाराज वहां जाते हैं। इनके लिए क्या कहना, जो व्यक्ति जो संकल्प लेकर के आज जन्मोत्सव में हनुमान जी को मनाएगा उसकी सारी संकल्प की कार्य की सिद्धि होगी। दूसरे चीज, इनको मोदक इत्यादि से रोट से जो भोग लगाएगा उसके भी कार्य की सिद्धि होगी। जो बच्चे पढ़ाई में मंद बुद्धि के हैं, शिक्षा में कहीं ना कहीं उनके बाधा होता है, वो आज जो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चमेली के तेल या घी से लेपन करें और तुलसी की एक माला बनाए, लाल रंग के फूल की माला बनाए या पीपल के पत्ते पे राम राम लिख करके 108 पत्ते पे हनुमान जी को आज माला बना दे, उसके जीवन में देखिएगा बुद्धिमान भी होगा, गुणवान भी होगा, धनवान भी होगा, कृतिवान भी होगा। ये सब हनुमान जी को अति प्रिय है और सबसे ज्यादा हनुमान जी को जो प्रिय है वो राम कथा है। जो राम कथा करते हैं, राम कथा सुनते हैं, राम नाम चुनबे कुछ, राम नाम कितने प्रिय है, राम नाम कितने प्यासे हैं, इतने भूखे हैं कि जो व्यक्ति आज राम की कथा करेगा जन्मोत्सव पे उसके भी कार्य की हनुमान जी सिद्धि करेंगे। क्योंकि त्रेता से लेकर के चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, ये कैसे देवता है जो हर कालखंड में हर युग में संसार में सबसे पहले पूजा किया गया है। गणपति के पूजन, हनुमान जी के पूजन जो व्यक्ति करता है सब संकट को काट देता है, सब तो उसको दूर कर देता है। आज जन्मोत्सव है, आइए हम सब लोग मिल करके कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ एक बार, 11 बार, 108 बार जरूर करें। जो शतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, यहाँ लिखा गया है कि सब बंधन से वो दोष को काट के दूर हो जाता है। इसमें पुरुष भी करें, स्त्री भी करें, माताएं बहनें भी करें, सब कोई दिया है, यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि माताएं नहीं कर सकती हैं। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं। आज जो व्यक्ति हनुमान जी के पूजन करेगा उसकी कार्य सिद्धि, उसकी यश कृति की प्राप्ति होगी। अबल बुद्धि विद्या देह को ही हरऊं कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या हमको प्रदान करेंगे और हमारे जीवन में जो संकट है कलेश उसको दूर करेंगे। इसी रूप में हनुमान जी के हम जन्मोत्सव जी। पंडित जी, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद।